नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के पलिया से है, जहां कोरोना के योद्धाओं में डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी शामिल हैं। वहीं इस युद्ध में एक और वर्ग है जो इस महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन के बीच घर में बैठे लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, संदेश और शासन से लेकर प्रशासन तक की जुड़ी हर खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप घर में बैठकर बोर न हो और बाहर क्या हो रहा है आपको उन सभी खबरों से रूबरू कराएं, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, जिसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है। जी हाँ, पत्रकार और उसकी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं हम, जिसकी उपस्थिति इस बात से अवगत कराती है कि दुनिया चल रही है, दुनिया का वर्तमान हाल क्या है। इस बीच जहां शासन प्रशासन पत्रकारों से मुंह मोड़ लिया है, वहीं बलिया में प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी श्याम प्रकाश को प्रशासन और शासन की पत्रकारों के प्रति ये उदासीनता रास नहीं आई। खुद को इस बात के लिए प्रेरित किया और पत्रकार भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। लगभग सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि देकर पत्रकारों को स्वस्थ रहने की कामना भी की। सबसे तेज न्यूज श्याम प्रकाश के इस कार्य की सराहना करता है। आप देख रहे हैं बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। आम आदमी के लिए सरकार से लेकर तमाम समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं कि उनको भोजन मिले, पानी मिले, व्यवस्था मिले, लेकिन जो पशु हैं, खासतौर पे जो निराश्रित पशु हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संकट आ गया है इस कोरोना के महामारी में। तो किस तरीके की आप मदद कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट आपने लाया अभी? हमने गाय के लिए दो नाद बनाए, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। तो डेली सुबह शाम पानी चेंज होता है, डेली सुबह खाना चेंज होता है। गाय के साथ साथ बंदर, कुत्ते सब खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ। तो गाय अपने से आती है? हाँ, खुद अपने से आती है। डेली टाइम बना हुआ, डेली रात में 10 बजे और 5 बजे शाम में आती है दोनों। मतलब इस तरह का टाइम दोनों यूज, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। डेली एक शाम में 5 बजे, एक 10 बजे आराम से आ जाते हैं। अच्छा, और बंदर वगैरह आते हैं तो क्या खाते हैं फिर? बंदर बिस्किट खाते हैं, उसमें चाहे छिलका खाते हैं, फल का छिलका खाते हैं, चाहे मौसमी का छिलका खाते हैं। तो कितनी खुशी होती है जब आप निराश्रित इन पशुओं की बेजुबान जानवरों का पेट भरता है तो मन को अंदर सुकून मिलता है। आपका नाम क्या सर? शुभम प्रकाश जी। आपका परिचय? मैं श्याम प्रकाश गुप्ता, प्रकाश मिल्क स्टोर का प्रोप्राइटर जी। आज क्या कुछ हुआ आपके यहाँ, क्या सहयोग दिए गए पत्रकारों को? भाई, हमने देखा कि आप लोग जब भी भाई बंधु आते हैं, आप लोग देखते हैं कि हाथों में मास्क वगैरह नहीं रहते हैं, सैनिटाइजर की भी नहीं रहते हैं। तो हमने कहा कि आज हम आपको अपने तरफ से कुछ प्रदान करें। वैसे ये तो प्राथमिकता पहले प्रशासन की होनी चाहिए, सीएमओ की साहब की होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। भाई, आप लोग भी ध्यान रखें, पुलिसकर्मी के ऊपर भी ध्यान रखें, डॉक्टर बंधु पर भी ध्यान रखें, सफाई कर्मी पर ध्यान रखें। वैसे सबको देखते हुए आप लोगों को हम आज बुलाए और आप लोगों के सभी लोगों को हम कुछ मास्क, सैनिटाइजर वगैरह से आप लोगों को प्रदान किए। ये हमें बहुत खुशी हुई, हमें ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, सब लोग सुरक्षित रहें, डिस्टेंस बनी रहे। धन्यवाद।